नमस्कार दोस्तों, आज 19 जुलाई 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के टमाटर के क्या कुछ बाजार चले, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ी है, आज के क्या क्या रेट है, चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 25 किलो का चलता है। और दोस्तों यदि आप दिल्ली NCR के हो तो मेरी जो दिल्ली फ्रूट मार्केट के नाम से ऐप है वहाँ से आप सस्ते वाले बढ़िया वाले नंबर वन के फ्रूट भी खरीद सकते हो सिर्फ घर के लिए, सिर्फ रिटेल में। चलिए जानते हैं आज का टमाटर का क्या बाजार चला भाई साहब के पास। ये एक ट्रेलर लिया है, एक खाली हो लिया, ये हिमाचल की गाड़ी आई और हिमाचल की गाड़ियों का तो दोस्तों क्या बताऊँ। ये देखो कैसे पानी चू रहा जिन में से, लगातार पानी का पतनाला चल रहा जिन के अंदर से लगातार, क्योंकि टमाटर जो है सड़ गए, गड़ गए, खराब हो गए, बड़ी बुरी पोजीशन हुई हिमाचल वालों के साथ। रेट भी कितना अच्छा है, अच्छा खासा इनका रेट चल रहा था, ऐसी बरसातें आई, इनके बगीचे तबाह हो गए हिमाचल वालों के, इनके खेत भी बह गए, इनकी गाड़ियाँ बह गई, कुछ किसानों के तो घर भी बह गए, और जो बचा कुछ माल है वो तोड़ गए, यहाँ तक किराया लगा के आ रहे और वो फिर भी नहीं बिक रहा। ये देखो गलन चल गई, सबसे बुरी हिमाचल वालों के साथ आई, क्या आपका कुदरत ने क्या करा क्या नहीं जी, बड़े दुख की बात है जी। चलिए जानते हैं आज का हिमाचल वाले का और दूसरे के क्या कुछ रेट चले हैं, कल के मुकाबला मंडी की क्या पोजीशन रही, चलिए जानते हैं। यहाँ पर प्रधान जी भी आ गया, तो दिल्ली टमाटर मंडी के प्रधान जी है, APMC बोर्ड मेंबर है। सर जी नमस्कार जी। हाँ जी बाबू जी नमस्कार भाई साहब जी, बहुत बहुत नमस्कार राणा साहब को। बाबू जी ठीक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब, मैं बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी। राम राम सभी भाइयों को, आरती भाइयों को। सबसे पहले किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, आरती भाइयों को, अशोक कौशिक की सुबह की राम राम, नमस्कार भाई जी। और बाकी टमाटर के बारे में भतीजा बताएगा। हमारे प्रधान जी अशोक जी हमारे साथ खड़े हुए थे, जरा मार्केट के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे बाजार के। अब कल ना हमारे को सब लोगों को लग रहा था कि बाजार के अंदर 10-20-50 रुपए की सुर्खी आएगी। अच्छा, लेकिन लोगों ने आइडिया लगाया तो आज मार्केट की आवक जो है बढ़ोतरी हुई है। अभी प्रधान जी भी बता रहे थे कि मंडी के अंदर माल की आवक थोड़ी सी ज्यादा है आज, और बाजार जो है गिरावट की तरफ आ गया है कुछ। ये सबसे बड़ी बात आपको मैं टमाटर दिखाऊँ, ये टमाटर देखिए रोटर हो चुके हैं, ये देखिए ये बंगलोर की गाड़ी का टमाटर देखिए कैसे सड़ा हुआ टमाटर निकलने लग रहा है। बेंगलोर तो सूखा टमाटर निकल रहा है, बेंगलोर का सूखा है लेकिन वहाँ पे भी कुछ टमाटर, ये देखिए कैसे सड़ रहे टमाटर। अच्छा, ये देखिए देखिए, तो बेंगलोर का तो बड़ा शानदार माल आता है जी। ऐसे ही होता है जी, जब टमाटर के हालात खराब होने होते हैं तो ऐसा हो जाता है। अब ये टमाटर जो है ये समझिए, ये कल चौथे दिन के दोपहर के टाइम गाड़ी आई थी जाम के अंदर, भयंकर फंसी रही, और ये पांचवें दिन के अंदर ये गाड़ी अब यहाँ पे खुल रही है। पांचवें दिन में ये नहीं कि मेरी गाड़ी का हालात ये, ज्यादातर पांचवें दिन की बंगलोर की गाड़ियां सड़ जाती है। अच्छा, तो अब ये बंगलोर की गाड़ी भी पांचवें दिन की सड़ गई है, और टमाटर मतलब हल्के माल जो है बेचने बहुत से ज्यादा बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, होटल वालों को भी दिखा रहे, पर होटल वाले कह रहे बोल ये टमाटर हमारा चलेगा नहीं। अच्छा, कम से कम चलेगा। अच्छा, और शिमला की भी आपको आज कंडीशन दिखाऊँ, शिमला के टमाटर भी जो है सड़ान की तरफ आ गई। ये देखिए कैसे सड़ रहे टमाटर, ये देखिए ये कैसे इनका छिलके में कैसे फफूंदी लगी है। अच्छा जी जी, तो ये तो समझो सारा ही इसका हालत खराब हो चुकी जी। ये देखिए अब ये जो सारे चित्री वाले टमाटर हैं, फटे कटे टमाटर हैं। हाँ जी, ये टमाटर बेचना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा जी, और ये जो गाड़ी उतर रही इनमें तो पानी चूरा जी अभी है। ये देखिए कुछ बारिश का भीगा हुआ है, कुछ जो है टमाटर जो है वहाँ पे किसानों ने तोड़ के क्रेटों में भर के रखा हुआ था। हाँ जी, तो वो जो है टमाटर जो है खराब हो रहा है, पड़े पड़े ही खराब हो रहा है, शक्ल सब्जी बदल गई। देखिए दाना उठाओ, ये देखिए ओहो, इसी तरह से कंडीशन सभी टमाटरों की ऐसी खराब है। ये तो यार आपने नई चीज बताई, बेंगलोर का भी टमाटर खराब होने तो बड़ा मेरे पास नहीं। अभी आप मार्केट में रुझान करेंगे, जो चौथे दिन की गाड़ी है ताजी गाड़ी है। हाँ, चौथे दिन की गाड़ी जो है वो ठीक ठाक दिख रही है, नहीं तो पांचवें दिन की गाड़ी है तो काफी डैमेज हो रही है। और चौथे दिन के अंदर भी आज बाजार कल से 200 से 300 मिनट डाउन है। उसका प्रमुख कारण दो है, एक कारण तो सबसे प्रमुख कारण ये है कि केजरीवाल सरकार या गवर्नमेंट सरकार ने जो टमाटर सब्सिडी के तौर पर पीछे से खरीद रहे, और यहाँ पे दिल्ली शहर के अंदर, जयपुर के अंदर, धर्मशाला के अंदर, अदर अदर स्टेटों के अंदर 80 रुपए किलो 90 रुपए किलो का रेट खोल रखा है। हाँ जी, अब किसान यहाँ हमारे से ग्राहक यहाँ पे अगर 2500 रुपए का टमाटर लेके जाएगा, हाँ जी, यहाँ से माल ले जा रहेगा, उसका खर्चा वगैरह सबको लगाओगे, उसको 100 रुपए किलो टमाटर यहाँ से लेके जाएगा, उसे 120-150 रुपए का पड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो 120-130 का ले जाके वो 120-140 का बेचेगा। हाँ जी, उसके सामने 80 रुपए किलो की गवर्नमेंट सरकार का टमाटर बिक रहा होगा तो उसका 120-140 कैसे बिकेगा। अच्छा जी, तो उनका टमाटर बिकना बंद हो गया, ग्राहकों का टमाटर बिकना कम हो गया। हाँ जी, तो ग्राहकों का टमाटर कम बिकना बंद हुआ तो हमारे यहाँ पे दुकानदारी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। हम कस्टमर को महंगा टमाटर या बाजार के भाव टमाटर देना चाहते हैं, पर वो ग्राहक लेने को तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा जी, तो इसका कारण इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बाजार जो है यहाँ पे जो जिस रूपरेखा से चलना चाहिए उस रूपरेखा से बाजार नहीं चल रहा।
अच्छा जी, ये सबसे बड़ा कारण है। ये तो ये लगा लो कि पहले बरसात ने जो है इनका मंदा करवाया हिमाचल वालों का, अब जो है इनकी बारी आ गई जी बैंगलोर वालों की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा तो बैंगलोर की गाड़ियाँ कल से कम है या ज्यादा जी? कल जितना माल है कल से कम नहीं है, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 4-5 गाड़ियाँ कम होनी चाहिए, लेकिन आज भी 14-15 गाड़ियों की मंडी में बैंगलोर की आवक हो चुकी है। ये बड़े वाले ट्रेलर, ये बड़े वाला, ये बैंगलोर की लगी हुई, वो काली वाली बैंगलोर की लगी, उसके आगे नीली वाली बैंगलोर लगी, एक ये लगी, उधर की तरफ देखे 5-7 गाड़ी उधर लगी, 14-15 गाड़ियों की आवक मंडी के अंदर आज हो चुकी है। अच्छा जी, और जो बात करें भाई साहब जी, ये महाराष्ट्र वाले भी आ रहे हैं आज? महाराष्ट्र वाले टमाटर भी आज 3-4 गाड़ी है। अच्छा जी, और सभी टमाटरों के अंदर गिरावट दिखाई देने को मिल रही है, आज गाड़ियां आसानी से खाली नहीं हो रही है, उसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया। परचून वालों के पास में 80 रुपए किलो का टमाटर अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी की तरफ से माल बिकेगा तो उनका टमाटर पहले बिकेगा, कस्टमर का माल नहीं बिकेगा। अच्छा जी, तो ये इम्पैक्ट, और जिनके पास जो माल बिक भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा माल लेके जा रहे हैं डर के मारे। अच्छा, कम ले जाएंगे, कम बेचेंगे, अपनी दुकानदारी को चालू करके रखेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, और आज के हिमाचल के बाजार कहाँ से कहाँ तक चले? देखिए, हिमाचल की कोई भी कंडीशन, कोई भी बाजार नहीं कहता, हिमाचल का बाजार जो आज 400-500 से लेके 1200-1300-1400। अच्छा जी, वो भी जैसी क्वालिटी है, कोई थोड़ा सा साफ है तो 1400-1500 का बिक जाएगा। जैसे ये माल है जी, ये किस रेंज के जाएंगे? बोली होगी 700-800-900, ये जैसे ये क्वालिटी 700-800-900, थोड़ा सा ये साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, देखिए। हाँ जी, इसमें थोड़ा निशान कम आए। अच्छा जी, ये टमाटर इससे 400-500-300 रुपए तेल बिक जाएगा, इसमें निशान नहीं है, देखिए। ये हिमसोना है, ये देसी लग रहा है? दोनों हिमसोना है। अच्छा जी, बारिश का असर ज्यादा है उसमें, बारिश का असर कम है। अच्छा जी, अच्छा जी, जी, थोड़ा सा बात करें अपना महाराष्ट्र वालों का क्या बाजार चल सकता है जी? महाराष्ट्र वालों का हाइब्रिड का बाजार मैंने अभी आइडिया लिया नहीं है, मेरे हिसाब से जो महाराष्ट्र टमाटर बिकना चाहिए 2500 से लेके 2700 रुपए के बीच के अंदर बिकना चाहिए। अच्छा, बाकी कंफर्म रिपोर्ट मैंने अभी आइडिया लिया नहीं है बाजार का। अच्छा जी, बाजार में को आइडिया 2500-2700 बिकना चाहिए। और आज के साहू के क्या बाजार चल रहे हैं? की परिस्थिति खराब है, 2200-2300-2400-2200 रुपए के बढ़िया टमाटर समझिए, और जो हल्के टमाटर है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, 1500 से लेके 1800-2000। अच्छा जी, ये क्योंकि टमाटर बंगलोर के काफी ज्यादा सड़ रहे हैं, जो टमाटर सड़ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सूखे टमाटरों की वैल्यू जो आ रहा है 2200-2300-2400। यानी जो दिल्ली में हुमस और गर्मी हो रही है उसका असर है जी ये सारा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज टमाटर के ऊपर, और गर्मी के कारण, बारिश के कारण, बारिश से भीगा हुआ टमाटर है, घुमस के कारण जो है ये तीसरे दिन का टमाटर ही ताकत है, चौथे दिन बहुत बढ़िया रुकता है, पांचवे दिन में तो इसकी गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं जी क्या रहेगा, कल कोई रिपोर्टें सामने आएंगी जी असली तो? जी ये देखिए टमाटर जैसे बंगलोर का छाड़ रहा है। हाँ जी, इसे छाटते छाटते वो देखिए वहाँ फेंके जा रहा है। अच्छा जी, ये चाट की ग्रेवी इसमें डाले जा रहा है। अच्छा जी, थोड़ा सूखा इसमें डालता है, थोड़ा उसमें डालता है, ये कारण जो है बंगलोर का खराब होने का सबसे बड़ा कारण बाजार को गिराने का ये होता है कि भाई अगर माल अच्छे नहीं आएंगे मार्केट के अंदर, हाँ जी, हल्के टमाटर बाजार का रेट गिराएंगे तो बढ़िया के ऊपर अपना इम्पैक्ट आता है, बढ़िया भी रेट बंदा हो जाता है। अच्छा, कुछ शिमला के अंदर माल ऐसे आ रहे हैं जो 500-600-700 में बिक रहे हैं, तो वो 500-700 में बिक रहा है तो बंगलोर का 2000 रुपये का टमाटर ग्राहक लेना पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ये जो मैं 500-700 का जिस मर्जी भाव का बेचूंगा मेरे पैसे बन जाएंगे, कुछ हल्का निकलेगा और बढ़िया निकलेगा, इसको बेच के मैं दुकानदारी अपनी कर लूंगा, इसलिए रुझान जो है ग्राहक जो है शिमला लेना ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा जी, इस समय जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत। भाई साहब जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर? मेरा दुकान का एड्रेस है D1334 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर है मेरा 98111-63-748, नाम है मेरा दीपक ढींगरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। दोस्तों माल की कोई कमी नहीं है आज की तरीके में मंडी के, कम से कम 5-4 ट्रेल इधर लग रहे, और ये एक ट्रेला ये है जी, ये हिमाचल वाली है, एक ये ट्रेला है जी बेंगलोर का जो भाई साहब प्रधान जी बैठे जी इसमें, एक ट्रेला ये है जी बेंगलोर का हरे टमाटर ये वाले, जैसे भाई साहब ने कहा साफ सूखे अच्छे टमाटर की तो वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है जी, ये भी बेंगलोर खाली हो चुकी है, ये तो ये हिमाचल आई, ये तो लोडिंग हो रही है, ये भी लोडिंग हो रही, ये भी जो है बड़ा ट्रेल है बेंगलोर का, बड़े बड़े ट्रेल आते हैं, और ये भी भाई साहब के पास बड़े वाला ट्रेल खड़ा जी बेंगलोर का, 10 टरी खड़ी जी, ये भी 3XL है जी, ये जो है अपना हाइब्रिड है जी, जो महाराष्ट्र के संगम नेर या जहाँ के भी आ रहे टमाटर, ये भी भाई साहब के पास ये बड़ा ट्रेल है जी, और ये जो है हिमाचल उतर रहा अभी इस समय, ये हिमाचल है जी, और ये बड़ा ट्रेल चला गया, ये भी जो है बेंगलोर है, और ये भी जो है भाई साहब के पास एक इधर आ गया बड़ा ट्रेल है, इसकी तो बुनी भी नहीं हुई, एक क्रेट उतरी ऐसी रखी, इसमें से 2 क्रेटें उतरी ऐसे रखी अभी, यानी इनकी बुनी नहीं हुई, और ये ट्रेल अभी इसमें से 2-3 डांगे उतरी, एक ट्रेल ये है, ये हिमाचल की गाड़ी आई, अभी रस्से पड़े हुए हैं इसमें,
कुछ इसमें अंदर शिमला मिर्ची है, ये भी ऐसी खड़ी जी। चलिए जी इधर भी देख लेते हैं कैसा चलेगा बाजार। और देखना भाई साहब जी, ओहो इस भारी मंदे इस भारी रेट के अंदर कम से कम ये लगा लो जी 2000 के भी ये क्रेट जाती। कितनी क्रेटें हैं, पानी चू गया और ये सारी की सारी। ये तो बेंगलोर है जी, ये तो बेंगलोर का माल सड़ा है। इसका मतलब भाई साहब ने जो डिंगरा साहब ने बात बताई, ये बेंगलोर के माल है जी सड़े। ये जितने अखबार लगी है देखो, ये सारे माल सड़ गए इधर। कुछ नहीं पता जी, ये मंडी है जी। माल जिसका समय से पहुंच गया वो राजा, जिसका माल बढ़िया है ग्राहक है उसके तेवर अलग है, और जिसका गाड़ी लेट पहुंची और वो तो जो है बस म्याऊं म्याऊं करेगा जी, क्योंकि माल बेचना भारी पड़ जाता है। चलिए जानते हैं इधर भी आज का क्या बाजार चला। हिमाचल है ये, बेंगलोर है ना जी, तो महाराष्ट्र है। चवानेड कंपनी पे आज के क्या बाजार चले जी, चलिए जानते हैं भाई साहब। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ वाला भाई साहब जी आज? नारायण गाँव जी। अच्छा जी, कैसा चला जी भाई साहब जी आज का जी? वही चलना क्या है, बाजार आपको बताया ठंडा हो रहा है काम। आ तो लिया जी काम, बाजार का बहुत ठंडा चल रहा है काम, क्या करें। यानी खाने वालों की भी जो है सुन ली, किसी भी हिसाब से खाने वाले को तो सुन ले, लेकिन हमारे तो कपड़े उतर जाएंगे ना इसमें। अच्छा जी, खाने वाले को तो सुन ली, तो वहाँ से सरकार सुन रही है। हाँ जी, सरकार भी सुन रही है थोड़ी। अच्छा जी, हम सरकार को, सरकार से अपील करते हैं कि माल आता है तो हमारे से खरीद ले, वहाँ इतने दूर का क्या करना, खरीद के यहीं से खरीद ले मंडी से बढ़िया। अच्छा जी। अच्छा, तो आज कितने की खरीदारी चली वहाँ से, कितने की खुली यहाँ पर? 130 और 120 का टमाटर चला हुआ है वहाँ से, 120-130 रुपए किलो, किलो का। अच्छा जी, और यहाँ से ज्यादा है ज्यादा 25-26 का रेट है। अच्छा जी, वो भी गाड़ी चलती नहीं है, दिख रही नहीं, देखा होगा आपने पीछे भी, लगातार ट्राले खड़े जी, बड़े बड़े ट्राले खड़े हैं। हाँ जी, बस यही का कारण है कि कुछ तो भाजी कुछ ग्राहकी का जायजा नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा क्या है, पीछे बता रहे तेजी है, अच्छा माल नहीं बिक रहे हैं। अच्छा जी, से कम बहुत मोटा नुकसान है। अच्छा जी, तो ये समझ ले तो 100 रुपए के आसपास जा रहा जी, 100-110 रुपए आपका ये समझ लो जी भाजी, 100 नहीं कम से कम भी 150 रुपए का रेट, 200 का रेट टूटेगा इसमें जी। हाँ जी, जी आराम से टूटेगा, लेकिन चक्कर समझ में नहीं आता जो शिमला भी चला हुआ है, ये अरबाव का बिक रहा है। अच्छा जी, 400 रुपए से लेके 2000 रुपए तक शिमला बिक रहा है। शिमला 400 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक टॉप में है, जो सुपर टॉप है। ये जो बरसाती माल जो रुके हुए हैं ना जी, बरसात वहाँ पर जो माइक पास कर लो जी मुंह के दौरान, जो स्लाइड गिरे हैं ना जी। हाँ जी, तो स्लाइड के कारण जो है जो टमाटर दब गया है। अच्छा, कोई मिट्टी लगी है, कोई सड़ गया है, कोई 400 रुपए से लेके जो सुपर माल जो अभी लेट चले हैं। हाँ जी, टमाटर बिकेगा 1500 से 2000 के बीच में। अच्छा जी, और जो हिमाचल के ये सौदे दूसरे बीन वगैरह यहाँ पर क्या राजी है? बीन का भाव जी हर भाव है, बीन भी एक ऐसा कच्ची चीज है, बीन और शिमला मिर्च ऐसी है। शिमला मिर्च तो जो अगर ये तो निकलेगी साफ बढ़िया तो 100 रुपए से 120 रुपए, अगर ये तो निकलेगी सड़ी हुई तो 40 से 50-30 हर भाव की बिकती है। अच्छा, इस हिसाब से निकलेगा क्वालिटी के हिसाब से, अगर बढ़िया निकलेगी तो बढ़िया रेट है। बीन भी बढ़िया रेट से बिक रही है और शिमला मिर्च भी बढ़िया रेट से बिक रही है। अच्छा, लेकिन अगर निकल जाए साबुत तो बल्ले बल्ले है, अगर निकल जाए सड़ी हुई तो फिर भाव जी माल थल्ले। हाँ जी, माल थल्ले। अच्छा जी, काम है जी राणा जी, धन्यवाद भाई साहब जी। चलो आपका पुनी लग जाएगा जी, आपने टमाटर खिलाया कम से कम रहने गाँव का, जो खाएगा खाते में लिखा जाएगा ऊपर। अरे खाते में तो लिखा रहेगा जी, जो हमारा खाता है वो किसके पास है तो समझ में नहीं आती बात। जो खाता है राणा जी वो भी खोलने पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं जो ये नुकसान वाला खाता है ना जी। हाँ जी, वो भी आपको दिखाने पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिखाओ ना उसको खाते को, तभी तो फायदा होगा। समस्या जी आते हो, लिए काम करे तो हमारे ना करे जी, अगर माल नहीं आएगा हाँ जी तब परेशानी है, आपको फड़ नहीं मिलेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और जो माल मंगाए तो नुकसान घट होगा, ये भी है जी। इन दिनों में बैठ भी नहीं सकते आराम से जी, काम ऐसा होता है ना जी, हम देख रहे हैं जी पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई। हाँ जी, अब ऐसा ना एक दूसरे की टांग तो खींचते, ये बंदा भाई इधर माल आ रहा है मेरे पास नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कूदने पड़ेगा, कूदेंगे तो भाजी वैसे कूद जाएंगे मेरे के। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब जी अपना मोबाइल नंबर जी। हमारा 98-105-79-971 हिमाचल वेजिटेबल D1272 मंडी आजादपुर दिल्ली। धन्यवाद। ओके।